एल्विश और मनीषा को साथ में देखकर फुकरा को ऐसी जलन हुई है कि वहां से उठ खड़ा भागा। हालांकि मनीषा फुकरा को आवाज लगाती रही और कहती रही कि फुकरा तू हर बात का बुरा क्यों मान जाता है। हम आपको बता दें कि इन दिनों मनीषा और फुकरा के बीच भी एक बहुत प्यारा बॉन्ड देखने को मिल रहा है और खासकर एल्विश और मनीषा उसी जगह बैठकर मस्ती करते नजर आते हैं जहां पर फुकरा और मनीषा। और इस बात को देखकर फुकरा इससे पहले भी कई बार नाराज हो चुका है और एक बार फिर से जब आज मनीषा एल्विश के साथ बैठी हुई थी मस्ती कर रही थी तो ये बात देखकर जो है फुकरा वहां से चला गया। हम आपको बताएं तो जब फुकरा आया तो मनीषा उसे बोलती हुई और कहती हुई नजर आई कि फुकरा तो बैठ ना हमारे पास, तो क्यों भागकर चला जाता है। जिस पर फुकरा ने कहा कि तेरा टाइम पास हो ही रहा है ना, तो तुझे तो टाइम पास से मतलब है, फिर कोई भी तेरे साथ क्यों ना हो। दरअसल फुकरा तैयार होकर आया था और वो अपने नई शर्ट दिखाना चाह रहा था जिसकी बैक पर फुकरा लिखा था। लेकिन यहाँ मनीषा और एल्विश दोनों अपनी बातों में इतना गुम थे कि दोनों ने उस शर्ट की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और इस बात से फुकरा चिढ़ गया और जाकर जिया के पास बैठ गया। हम आपको बताते हैं किस तरीके से इसके बाद जो है लगातार एल्विश बुलाता रहा, मनीषा बुलाती रही, लेकिन फुकरा ने मुड़कर तक नहीं देखा। तो आपको क्या लगता है फुकरा के इस एटीट्यूड पर कि क्या वो मनीषा को लेकर पजेसिव हो रहा है? आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।